हेलो दोस्तों, मैंने जो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बाद जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स और 1 प्लस टैन एक्स प्लस सेक एक्स इक्वल टू, ये प्रूफ करना है। तो देखिए बहुत इजी है, 1 प्लस कॉट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक्स अपॉन साइन एक्स, और कॉसेक एक्स हो गया हमारा 1 अपॉन साइन एक्स। यहाँ से इसको 1 प्लस टैन एक्स को कर दीजिए साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और यहाँ से सेक एक्स को कर दीजिए 1 अपॉन कॉस एक्स। इसके बाद अब यहाँ से ले लेते हैं एलसीएम, तो ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन साइन एक्स, और यहाँ से हमारा हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1 अपॉन कॉस एक्स। अब हमने ये देखा, ये समझ रही ए माइनस बी की फॉर्म हो गई, ये ए प्लस बी की फॉर्म हो गई, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आप इसको ओपन कर दीजिए, ए प्लस बी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे, तो हमें पता है कि जब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसकी जगह तो हमारा कितना 1 हो जाएगा, बचेगा क्या प्लस 2 साइन एक्स और कॉस एक्स, और माइनस 1 पहले से है, अपॉन में हमारे पास साइन एक्स एंड कॉस एक्स है, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, उसका साइन एक्स कॉस एक्स से साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा 2, और 2 ही हमारा प्रूफ करना था। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टैन एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल एम दिया हुआ है, टैन एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल एम दिया हुआ है, प्रूफ करना है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल 4 अंडर रूट एम एन। तो ठीक है, ये देखिए यहाँ पे प्रूफ में एम एन की फॉर्म है, तो हम पहले एम एन ही निकाल लेंगे यहाँ से। तो जब एम एन निकालेंगे मतलब m इंटू एन दोनों का प्रोडक्ट कराएंगे, तो टैन एक्स प्लस साइन एक्स और टैन एक्स माइनस साइन एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा टैन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की फॉर्म बनेगी जाके। और या तो इस तरीके पहले करा लेते हैं, या पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ से एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, पहले इसी की फॉर्म निकाल ले, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की पहले फॉर्म निकालते हैं। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर मीन्स क्या हुआ, एम प्लस एन 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 माइनस एन हमारे पास होगा, या ऐसे लिख सकते हैं कि इसका होल स्क्वायर डायरेक्ट टैन एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये जो है इसी को मैं निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे ये वैल्यू रख दी डायरेक्ट, ज़्यादा कुछ तोड़ना मरोड़ना नहीं है, टैन एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर। अब आपको पता है यहाँ से जब करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर, और यहाँ से प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा, तो ये माइनस माइनस वाला प्लस हो जाएगा, मीन्स जो स्क्वायर वाले टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास खाली कितना बचेगा 4 टैन एक्स एंड साइन एक्स। इसी वजह से मैंने डायरेक्ट इसको एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ही कर लिया, क्योंकि देखिए 4 अब उस फॉर्म में ये दिख रहा है हमारा, अंडर रूट एम एन की फॉर्म चाहिए, तो अंडर रूट एम एन की फॉर्म निकालने के लिए चाहे पहले आप एम एन ही निकाल लीजिए, और चाहे आप डायरेक्ट यहाँ से 4 अंडर रूट एम एन ही ले लीजिए। तो जब इसको लेंगे तो 4 अंडर रूट एम एन करेंगे, तो इन दोनों का वही प्रोडक्ट, तो टैन एक्स प्लस साइन एक्स, टैन एक्स माइनस साइन एक्स मीन्स क्या हुआ टैन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब कुछ ज़्यादा यहाँ पे कैलकुलेशन ना करके हम लोग पहले टैन को साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कर लेते हैं, और जब टैन को हम लोग साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे तो ऊपर से साइन स्क्वायर एक्स कॉमन होगा, तो मीन्स बाहर हमारे पास कितना आएगा स्क्वायर रूट ओनली साइन एक्स बचेगा। अब बचा हमारे पास क्या, इसको मैंने साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर साइन वाला बाहर कर लिया, मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बचा माइनस 1, और यहाँ से 4 साइन एक्स। अब देखिए ये कॉस स्क्वायर एक्स है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जो आइडेंटिटी होती है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स, फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल 1। इसकी जगह जब एलसीएम देंगे तो हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और वो फिर से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना साइन एक्स बचेगा, और नीचे से हमारे पास कितना बचा कॉस एक्स बचा। अब हमारे पास जो यहाँ पे था किस फॉर्म में था, हमें प्रूफ करना था 4 टैन एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स भी दिख गया, और ये हमारा साइन अपॉन कॉस टैन एक्स हो गया, मीन्स 4 साइन एक्स एंड ये हो गया टैन एक्स। तो देखिए इधर से एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर भी यही निकला था, और ये भी यही निकला, मीन्स दोनों को इक्वेट करा दीजिए, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल कितना 4 अंडर रूट एम एन हो गया।
नेक्स्ट देखिए क्या है, इफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल अंडर रूट टू कॉस एक्स, ये दिया हुआ है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स की वैल्यू अंडर रूट टू साइन एक्स बोली गई है, तो जो गिवन है पहले इसको देख लीजिए क्या, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल दिया हुआ है रूट टू कॉस एक्स, और फाइंड आउट जो करना है उसी को, जो ये प्रूफ करना है हमें, तो हम इसको पहले कुछ एज्यूम कर लेते हैं और उसी से मान लेते हैं ये हमारा क्या ए है, तो मीन्स अब हम ए इक्वल ये चीज़ लाएंगे। तो आप देखिए कॉस एंड साइन की प्रॉपर्टी कहीं पे भी ऐसे दिखे तो सबसे पहले हम लोग कोशिश क्या करते हैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर इक्वल वन होता है तो वो बन जाए और उधर से वो आराम से आसान हो जाएगा। और वैसे भी देखिए ये रूट और रूट टू साइन एक्स के फॉर्म में दिया भी है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर, जो है सेकेंड इक्वेशन उसका स्क्वायर, दोनों को ऐड करा लेंगे। तो जब इसको करेंगे तो कॉस एक्स, इसको होल स्क्वायर करिए तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ से कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर, और जब इसका होल स्क्वायर कराएंगे तो ये हमारा टू, ये क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हमारे पास ए स्क्वायर है ये। आप देखिए इसको जब करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर प्लस टू साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन टू साइन एक्स कॉस एक्स, तो यहाँ पे हमें फिर से वही साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पे वन आ जाएगा और बचेगा क्या टू साइन एक्स एंड कॉस एक्स वाला ही बचेगा। इसी तरह यहाँ से वन और यहाँ से माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स वाला बचेगा, इधर का जो है वैसे चल रहा है, तो मीन्स ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या टू बचा इधर से और टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर। अब इसको इधर उठा के कर दीजिए तो ये टू माइनस टू कॉस स्क्वायर एक्स, टू कॉमन कर दीजिए, जब आप टू कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा हमारे पास, यहाँ से कितना ए स्क्वायर पहले से दिया है, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स होता है, मीन्स टू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल कितना हमारे पास ए स्क्वायर है, तो ए इक्वल कितना हो जाएगा अंडर रूट टू साइन एक्स हो जाएगा, अंडर रूट टू साइन एक्स, तो यही हमें निकालना था। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी हों तो सबसे पहले क्या करिए, आप जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को उसी को जो निकालना उसी को आप कुछ मान लीजिए, फिर दोनों का स्क्वायर करा के ऐड करा दिए, देखना पड़ता है ऐड कराने से हमें पता है प्लस माइनस वाली कैंसिल हो जाएगी, फिर उसके बाद वो फॉर्म बना ली। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, सेम ये भी उसी तरीके है, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स इक्वल एम बोल दिया है, ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स इक्वल एन है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की बात कर रहा है, इसमें पहले ही से समझ में आ गया, तो दोनों का स्क्वायर करा के ऐड करा दीजिए। तो उसी तरीके जब इसको हम लोग कराएंगे तो क्या होगा, ए कॉस स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और फिर प्लस टू ए बी साइन एक्स और कॉस एक्स होगा, दूसरा वाला ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू ए बी साइन एक्स और कॉस एक्स होगा। तो बस ये चीज़ हमारी हट गई। अब यहाँ पे देखते हैं वन कहाँ से बन रहा है, तो ये वाला जब आप साथ में लेंगे तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन होके वन दे देगा, और इसको इसको साथ में लेंगे तो ये बी स्क्वायर कॉमन होके वन दे देगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से हमारा ये चल ही रहा था कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस कुछ नहीं किया दोनों का स्क्वायर करा के ऐड करा दिया। नेक्स्ट स्टार्ट कर, नेक्स्ट है इफ ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स इक्वल सी सो दैट ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इक्वल क्या होगा, तो अगर ये मान लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप पे होता आपको टिक करना होता तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सी ही अलग दिया हुआ है, तो मीन्स हमारा जो माइनस में जाएगा वो सी ही जाएगा। फिलहाल यहाँ पे प्रूफ करना है तो हम लोग करते हैं ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स इक्वल सी, और जो चीज़ प्रूफ करनी उसी को हम कुछ लेट कर लेंगे पहले, तो ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स इक्वल दिया हुआ है सी, और दूसरा हमारे पास ए साइन एक्स और प्लस बी कॉस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना। इसको मैंने मान लिया कि ये जो है हमारा क्या है कैपिटल ए है, अब इसी ए की वैल्यू हम ये चीज़ लाएंगे, तो उसी तरीके दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे स्क्वायर करिए और फिर उनको ऐड करा दीजिए। यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, सेम वैसे ही अभी हमने किया ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और माइनस टू ए बी साइन एक्स एंड कॉस एक्स, फिर दूसरी वाली इक्वेशन का जो रहेगा तो ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस टू ए बी साइन एक्स
एंड कॉस एक्स, इतना हुआ। और यहाँ से सी स्क्वायर और ए स्क्वायर हमारे पास आ गया, ये हो गया कैंसिल। अब उसी तरीके अगर यहाँ से ए स्क्वायर वाले साहब के लिए कॉमन होके ये यहाँ से वन हो जाएगा, और यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन करेंगे वन हो जाएगा, मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल कितना सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आप अब सी स्क्वायर को इधर उठा के कर दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। दिख गया आपको? आप इस यहाँ पे जब इसको यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, मतलब प्लस माइनस ये चीज आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये प्रूव करना था। तो कुछ नहीं करना होता, जो हमारे पास दिया हुआ है और जो फाइंड आउट करना है उसको हमने कुछ लेट कर दिया दोनों को। फिर क्या किया, मुझे पता ही है माइनस हुई प्लस में दिया हुआ है, तो अगर ऐड करा देंगे तो जो मल्टीप्लाई वाली कंडीशन है वो कैंसिल हो जाएगी। तो इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर फिर सेकंड स्क्वायर जो इक्वेशन है उसका स्क्वायर, दोनों को ऐड करा दीजिए, बस वो आप करते चले जाएगा, सम होता चला जाएगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 10 साइन रेज टू पावर 4 अल्फा है, ये पावर 4 है और यहाँ पे जो पावर दी हुई है कितनी है, यहाँ पे भी 4 दी हुई है, और वैल्यू फाइंड आउट करनी है 27 कॉसेक पावर 6 अल्फा एंड 8 सेक की पावर 6, यहाँ पे पावर जो है वो 6 में है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए क्वेश्चन लग रहा है बहुत इजी है, इजी भी है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम इसे अलग तरीके से करेंगे तो इसमें कुछ लेंदी भी हो सकता है, कुछ छोटा भी हो सकता है। देखिए क्या है, यहाँ पे 10 साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 15 कॉस की पावर 4 अल्फा इक्वल 6 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर नहीं ध्यान देते तो हम लोग डायरेक्ट इसे 10 बनाएंगे, और मतलब यहाँ से फिर क्या करेंगे, कॉस रेज टू पावर 4 अल्फा से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, और इसका बड़ा होता चला जाएगा। इसकी देखिए ट्रिक क्या है, 10 साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 15 कॉस की पावर 4 अल्फा इक्वल यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे ये कॉस और साइन के फॉर्म में, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा करते कॉस और साइन के फॉर्म, तो यहाँ पे इसका कोफिशियंट 1 लिख सकते हैं इसे, और 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 को हम लोग ये लिख सकते हैं। अब लेकिन यहाँ पे ये स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, जबकि हमारे पास पावर कितनी है 4 है, तो ये 1 स्क्वायर 6 इंटू 1 लिखे चाहे 6 इंटू 1 स्क्वायर, बात तो वही है। तो इसका मतलब हम इसकी जगह 6 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर दे रखी हूँ, क्योंकि यहाँ पे पार 4 है। अब बस अगर इतना हमने किया तो सम बहुत छोटा हो गया, 15 कॉस की पार 4 अल्फा यहाँ पे 6, इसका आप होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा क्या, साइन की पार 4 अल्फा प्लस कॉस की पार 4 अल्फा, और ये आपका हो गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ से देखिए, अब इसको टैन बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस सेक और कॉसेक के फॉर्म में टैन और वैसे भी अलग अलग दिया हुआ है, तो क्या करिए, कॉस रेज टू पावर 4 अल्फा से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका क्या बच जाएगा, 8 टैन रेज टू पावर 4 अल्फा, ये हुआ 15, और यहाँ से आपके पास ये हुआ 6, और ये हुआ टैन की पावर 4 अल्फा, और ये हुआ 1, यहाँ से जब करेंगे कॉस से, तो कॉस स्क्वायर अल्फा से कॉस स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा, 2 टैन स्क्वायर अल्फा बचेगा। अब जरा देखते हैं, देखिए 6 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे और इधर आएगा 10 माइनस 6 कितना 4 होगा, मतलब 4 टैन की पावर 4 अल्फा ये मिला हमें। फिर उसके बाद 6 का इसमें जब कराएंगे तो 6 टू जा ये 12 आएगा, मतलब माइनस का 12 टैन स्क्वायर अल्फा ये मिला, और यहाँ से हमारे पास कितना है, ये 15 है, और ये 15 यहाँ से ये 6 है, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये किसी का होल कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा होल स्क्वायर वगैरह, ये 2 टैन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर है, ये 3 है यहाँ पे, माइनस 2 2 2 2 जा 4 4 3 जा 12, हाँ ये बन रहा है, ये किसका 2 टैन स्क्वायर अल्फा माइनस 3 का होल स्क्वायर बन रहा है, मीन्स यहाँ पे हमें टैन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू पता चल गई कितनी आ गई, टैन स्क्वायर अल्फा इक्वल हो गया 3/2। अब इसकी वैल्यू अगर पता चल गई तो यहाँ पे हम इसमें लगा देंगे इक्वेशन में, पहले थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं। हाँ देखिए वैल्यू क्या आई थी, टैन स्क्वायर अल्फा इक्वल 3/2 आई थी, अब इसमें पुट अप करा दीजिए, 27 हमारे पास ये दिया हुआ है और कॉसेक की पावर 6 अल्फा दिया हुआ है, तो कॉसेक को हम लोग इसको ब्रेक कर दीजिए 2 की पावर 3, तो कॉसेक स्क्वायर अल्फा हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर अल्फा होता है, मीन्स इसकी जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा दे दिया, पावर कितना हो गया 3 प्लस 8, इसी तरीके इसको आप क्या लिख सकते हैं,
वन प्लस टैन स्क्वायर अल्फा की पावर थ्री। अब यहाँ से वैल्यू पुट अप करा दीजिए, तो अगर टैन स्क्वायर अल्फा हमारे पास 3/2 है तो ये उल्टा हो जाएगा, 1 + 2/3 हो जाएगा। और यहाँ से 8, ये हमारे पास कितना 3/2 हो गया, यहाँ पावर 3 हो गई, तो ये 3 × 3 = 5, 5 upon 3 = 27 upon 27। यहाँ से हमारे पास कितना हो गया 125, यहाँ से 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ये भी कितना 125 हो गया। मींस ये हमारा आ गया 125 + 125 मतलब 250, इसका आंसर कितना हो गया 250। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसका ट्रिक बस यही क्वेश्चन में था कि यहाँ पे 6 × 1 बना के फिर जब ये 1 देखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और मतलब अल्फा अल्फा के फॉर्म में दिया हुआ लेकिन पावर 4 है तो क्या इसे 1 स्क्वायर बोल सकते हैं, तो उसके फॉर्म में हमने बना लिया। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। तो आज इतना ही रखते हैं, इसमें अभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से रह गए हैं उसको नेक्स्ट में कर देंगे क्योंकि थोड़े से चैप्टर में भी हैं, ठीक है। तो मैंने एनसीईआरटी और आरडी शर्मा के अकॉर्डिंग ही किया है।